नमस्कार प्रिय साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको ये नाखून के जो रंग होता है, इनका जो कलर होता है, इनसे व्यक्ति का भविष्य और उसका स्वास्थ्य दोनों के बारे में जानकारी दूंगा। हस्तरेखा विज्ञान, सामुद्रिक शास्त्र की इस विषय में क्या राय है। कुल मिलाकर के आज की वीडियो में व्यक्ति के नाखूनों को पढ़ने का हुनर मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए, अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए साथियों, विषय में आगे बढ़ते हैं। यदि किसी व्यक्ति के नाखूनों का जो कलर है उसके अंदर गुलाबीपन कम है और वह पीलापन लिए हुए है, तो ऐसे व्यक्ति का जो ब्लड सर्कुलेशन है, रक्त प्रवाह है, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। बहुत साफ सुथरा उसका स्वास्थ्य नहीं होता। इसका कुप्रभाव व्यक्ति के मस्तिष्क पर पड़ता है। सोचने समझने की क्षमता प्रभावित होती है, कार्यशैली प्रभावित होती है, उसकी विचार शक्ति में कमी आती है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचता है। यदि पीलापन भी है और उसमें ब्लैकनेस भी है, हल्का कालापन भी है, तो व्यक्ति को अपना ब्लड टेस्ट और लीवर टेस्ट दोनों कराने चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के नाखून गुलाबीपन लिए हुए हैं, इनमें पूरी तरह से पिंकनेस है और बहुत खूबसूरत हैं, चमकदार हैं, तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति का स्वास्थ्य एकदम फिट होता है। उसका आने वाला जो भविष्य है वह भी बढ़िया होता है। ऐसा व्यक्ति धन धान्य से संपन्न होता है और बहुत सारा पैसा कमाता है। व्यापार में गुलाबी नाखून वाले व्यक्ति को बहुत बड़ी बड़ी सफलताएँ मिलती हैं। ऐसा व्यक्ति पूरी तरह से पॉजिटिव रहना पसंद करता है, अपने आसपास के वातावरण को पॉजिटिव रखता है। लेकिन यदि रक्त प्रवाह कम है आपके शरीर में, तो नाखून में पीलापन आ जाएगा। और भविष्य में यदि कोई बड़ी ऐसा आपको लगता है कि ऐसे फलताएँ टेंशन तनाव का माहौल बनेगा, तो ऐसी परिस्थिति में नाखूनों में हल्की ब्लैकनेस और पीलापन आ जाता है। व्यक्ति के नाखून जितने ज़्यादा रूखे सूखे होंगे, उनमें चमक कम होगी, पीलापन लिए हुए होंगे, यह व्यक्ति के स्वास्थ्य के और आर्थिक स्थिति दोनों के लिए बढ़िया नहीं है। और नाखून जितना गुलाबीपन लिए होंगे, जितने ज़्यादा चमकदार होंगे, ये चंद्रमा जितना ज़्यादा बड़ा होगा, यहाँ से चंद्रमा जो होता है गोल गोल, उतना ही ज़्यादा व्यक्ति के स्वास्थ्य और उसके आर्थिक जीवन के लिए बेहतर होता है। छोटी सी जानकारी आज की वीडियो में मैंने आपको दी। कामना करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते रहेंगे ऐसी ही जानकारियों के साथ भविष्य में भी। तब तक के लिए नमस्कार।